हेलो एंड वेलकम टू दिए अनदर एक्साइटिंग वीडियो दिस इज सैयद मोहम्मद फ्रॉम गुरु फॉर यू चैनल एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइडर 2021 मॉडल के बारे में गाइस ये जो बाइक आपके सामने प्रेजेंट है इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल पता कर चुका हूँ आज मैंने काफ़ी शोरूम्स को विजिट किया और जानने की कोशिश की कि, कि क्या 2021 में मॉडल नया आएगा या प्रीवियस मॉडल ही नया मॉडल होगा जैसे कि गाइस आप जानते हैं कि होंडा के जितने भी आलमोस्ट मॉडल्स लॉन्च होते हैं उनमें जस्ट ग्राफिक्स का ही चेंज होता है तो ग्राफिक्स का चेंज आने के बाद जो है वो एक बाइक एक नई शक्ल में आ जाती है और उसको एक नया मॉडल का नाम दे दिया जाता है लेकिन यहाँ पर जो है वो बाकी तमाम में तो ग्राफिक्स का चेंज लाया गया 2021 में लेकिन प्राइडर का यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैंने शोरूम से भी जितनी भी इंफॉर्मेशन दिए है उनका कहना यही है कि यार 2021 में इसका कोई नया मॉडल नहीं आएगा यही सेम मॉडल जो है 2021 में भी चलने वाला है और इसका जो हॉट सेलिंग मॉडल है वो ब्लू कलर में है जो आपके सामने में आज जिसका आज रिव्यू करने लगा लगाऊँ इसके बारे में कम्प्लीट आपको बताऊँगा क्या क्या स्पैक्स हैं क्या प्राइस है लेटेस्ट दो के अंदर सो बिना टाइम वेस्ट किया आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले गाय यहाँ पर आप इसका फ्रेम चेक कर सकते हैं ये जो इसका फ्रेम है ये मेटल का फ्रेम है बल्कि ये एक प्लास्टिक का फ्रेम नहीं है क्योंकि इसकी वैसे तो बॉडी सारी ही प्लास्टिक की है लेकिन जो इसका फ्रंट का मटगाट का फ्रेम है वो सारा का सारा मेटल में बनाया गया है आप इसकी एक लुक देख सकते हैं क्लोज़ करके मैं आपको इसको इसके ग्राफिक्स दिखा देता हूँ तो ग्राफिक्स कलर्स जो ब्लू कलर में है वो काफ़ी शाइनी और काफ़ी अच्छे हैं और इसका ये हॉट सेलिंग मॉडल है यानी कि ब्लू कलर में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक है और ब्लू कलर को काफ़ी ज़्यादा पज़ीराई भी हासिल हुई है इसके साथ साथ इसके यहाँ पर दो कलर्स मज़ीद आते हैं जिसमें एक ब्लैक कलर भी है और एक रेड कलर भी है लेकिन वन ऑफ़ माई फेवरेट एंड वन ऑफ़ द पब्लिक फेवरेट इज़ अ ब्लू कलर यहाँ पर आप इसकी ओवरऑल देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है इसकी फिनिशिंग कैसी है इंजन की बात करें तो ये एक हंड्रेड सी का इंजन यहाँ पर लगाया गया है इस बाइक में जो है हमें फोर स्टॉक सिंगल सिलेंडर ओवर हेड की टेक्नोलॉजी मिलती है और आप जानते हैं कि ओवर हेड कैम्प की जो टेक्नोलॉजी है ये वाइब्रेशन को काफ़ी हद तक रिड्यूस रखती है और आपको हाई आरपीएम पे जो बाइक जब भी जाती है तो वाइब्रेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है बैक टायर्स की बात करूँ तो बैक टायर में आपको यहाँ पर जूम करके भी दिखा देता हूँ तो इसके जो बैक टायर हैं वो पैथल्स के टायर यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं और जो बैक का टायर है वो टू पॉइंट सेवन फाइव बाई एटीन इंच का है यानी कि एटी इंच के जो है इसमें स्पॉक्स रिम इंस्टॉल है इसमें और जैसी सहूलत अवेलेबल नहीं है और मैं यहाँ पर आपको क्लोज करके दिखाता हूँ ये पैथल्स के टायर हैं उसके साथ साथ बात करें यहाँ पर कि ये बाइक कितनी सीसी बाइक है तो मैंने जैसा आपको बताया कि एक हंड्रेड सी बाइक है लेकिन इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नाइन्टी सेवन पॉइंट वन क्यूबिक सेंटीमीटर है इसका जो बैक साइड की बात करें तो बैक से भी काफ़ी इसकी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है ये एक काफ़ी डिसेंट सी लुक देती है मैं इसका इनशाला जो है वो सुजुकी के जो डी डी वन टन इसके साथ भी कंपैरिजन लेके कर आऊंगा ताकि आप लुक वाइज भी कंपैरिजन इसका कर सकें और उसके साथ साथ आप स्पेक्स पे भी देख सकेंगे कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर है इसके यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स जो है वो आ, मैं कहना चाहूँगा ज़्यादा अच्छे नहीं है पुराने काफ़ी इंडिकेटर्स चल रहे हैं वही होंडा वाले जो एक एक ही बाइक में इंडिकेटर आ रहे हैं वही सब में लगाए जा रहे हैं ये थोड़ा सा इसमें वीक पॉइंट ज़रूर है एग्ज़ास इसका आप देख सकते हैं एक्ज़ास बहुत ही अच्छा एगजास अच्छा अच्छा है जिसमें कवरेज भी दी गई है और ये एग्ज़ास वो एग्ज़ास है जो वन टू फाइव में भी यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर क्वालिटी में आपको बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया साइड से मैं आपको दिखा दूँ तो इसका आपका राइट साइड से भी आप इसके ग्राफिक्स देख सकते हैं काफ़ी शाइनी से ग्राफिक्स लगते हैं बोर की बात करें तो इसके 50 का बोर है और 49.5 का जो है इस बाइक में, में स्टॉक मिल जाता है फोर स्पीड ट्रांसमिशन ये बाइक है फाइव स्पीड इसमें अवेलेबल नहीं है ए एक ये किक स्टार्ट बाइक है ये भी आपको बता दूँगा यहाँ पर आपको आपको अभी तक कोई सेल्फ स्टार्ट जैसी ऑप्शन अवेलेबल नहीं की गई मे भी पॉसिबल है कि इन फ्यूचर जो है सेल्फ स्टार्ट बाइक भी इसकी लॉन्च की जाए गाइज एक बात आपको और क्लियर करता जाऊँ कि यहाँ तक अभी तक जो शोरूम से मुझे इन्फॉमेशन दिया उसके मुताबिक तो उसका नया मॉडल नहीं आने वाला लेकिन हो सकता है मे बी लास्ट में ईयर के लास्ट में कोई आपको नया मॉडल अवेलेबल हो फ्रंट uh, की बात करें तो 2.75 पॉइंट सेवन फाइव बाई एटीन का जो है वो इसका टायर है मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ आई थिंक ये जो फ्रंट का टायर है ये भी पैंथर का लगाया गया है जी हाँ दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो फ्रंट का टायर है वो भी यहाँ पर पैंथर का ही इंस्टॉल किया गया है उसके साथ साथ बात करें फ्रंट की हेडलाइट के बारे में तो फ्रंट की हेडलाइट एक काफ़ी डिसेंट सी हेडलाइट है आपको नाइट में एक काफ़ी अच्छी सी और डिसेंट सी परफॉर्मेंस फ्रंट हेडलाइट से मिल जाती है यहाँ पे मूव करें मीटर की जानब तो मीटर में आपको यहाँ पे एक साइड पे स्पीडोमीटर दिया गया है और आरपीएम मीटर जो है वो इसमें अवेलेबल नहीं है तो ये साइड पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और उसके साथ गेयर्स की कुछ इंडिकेशन मिल जाती हैं यहाँ पर आप की यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो ये न्यूट्रल पे चला जाएगा और जैसे ही आप गेयर्यर्यर्स रन करेंगे तो वो यहाँ पर आपको शो आउट हो जाएंगे और इसकी एक साइड पे जो आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है आरपीएम मीटर इस बाइक में अवेलेबल नहीं दिया गया इसकी लेफ़्ट साइड पे बात करें तो वही हाई बीम लो बीम इंडिकेटर्स की ऑप्शन हैं और इसके नीचे आपको हॉर्न जैसी ऑप्शन अवेलेबल हैं और उसके नीचे ऊपर जो है वो हेडलाइट की ऑप्शन भी आपको दी गई है तो तमाम बेसिक्स ऑप्शन आपको इसमें मिल जाती हैं उसके साथ साथ बात करें कि ये बाइक का फ्यूल टैंक कितना है तो यहाँ पर इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो नाइन पॉइंट सेवन लीटर का है जिसमें जो है वो वन पॉइंट फाइव लीटर जो है वो रिज़र्व में रहता है और यहाँ पर बात करें सस्पेंशन के हवाले से तो सस्पेंशन जो फ्रंट की है वो टेलीस्कोपिक फोर्क नाइन्टी फोर एम एम की है और जो सस्पेंशन बैक की है वो हमारे पास स्विंग आर्म एट्टी फोर एम एम ट्रैवल की है और उसके साथ तो इसका जो ओवरऑल ड्राई वेट है वो 96 सिक्स का जो है वो इसका ड्राई वेट रखा गया है अब बात कर लेते हैं गाइस इसकी विड्थ लेंथ और हाइट के बारे में तो जो इसकी लेंथ है वो 1986 की है और विड्थ जो है इसकी वो 718 की है और जो इसकी हाइट है वो 1050 फिफ्टी mm की है इसकी जो सीट की हाइट है सीट इसकी काफ़ी स्मूथ है आपको एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है लंबे रूट पे भी आपको थकावट नहीं होती और जो इसकी सीट की हाइट रखी गई है वो सेवन नाइन्टी mm की रखी गई है 96 सिक्स के जी जो है वो इसका ड्राइव वेट है जो एक नॉर्मल सा और एक अच्छा सा वेट आपको यहाँ पर मिल जाता है ना ज़्यादा भारी है ना हम ये कहेंगे कि बहुत ही हल्की बाइक है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइस डिस्कस करने से पहले आपको यहाँ पे इसकी एवरेज बता देता हूँ इसकी टॉप स्पीड बता देता हूँ और उसके साथ साथ इसकी रीसेल और पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो गाय सबसे पहले यहाँ पर टॉप स्पीड की बात करें तो ये बाइक ऑलमोस्ट जो है वो 100 टू तो 105 यानी कि 105 तक जाने की यह सलाहियत रखती है और यहाँ पर हम बात करें कि ये एवरेज कितनी देती है तो विद इन सिटी आपको आलमोस्ट जो एवरेज देगी वो 50 टू तो 55 तक देगी और अगर आप लंबे रूट पर जाते हैं और ये ड्राइवर पर डिपेंड करता है जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि ड्राइवर पर डिपेंड करता है कि ड्राइवर बाइक किस तरह चला रहा है तो आप ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि सिटी और लॉन्ग रूट को मिलाकर के 50 टू 60 के दरमियान ये एवरेज देने की सलाहियत रखती है पार्ट्स की अवेलेबिलिटीज़ की हवाले से बात करें तो पार्ट्स आपको इजीली आफ्टर सेल मार्केट से मिल जाते हैं कोई इशू नहीं होता आपको शोरूम से भी मिल जाते हैं और आफ्टर सेल इजीली पार्ट्स मिल जाते हैं लोकल भी मिल जाते हैं और अगर आप ओरिजिनल परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाते हैं थोड़ी सी इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक बॉडी है फ्रंट एंड बैक से तो थोड़ा सा ये है कि पार्टस एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं नॉर्मल सेवेंटी से लेकिन यह है कि पार्ट्स आपको ईज़िली मिल भी जाते हैं और आप थोड़ी लो क्वालिटी के पार्ट्स भी इसमें ले सकते हैं कोई ईशू क्रिएट नहीं करते रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं होंडा की मार्केट बहुत ही ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर तो रीसेल में कोई इस बाइक में इशू नहीं होता रीसेल में जो इसके थोड़े से टॉप वेरिएंट हैं जैसा कि वन फिफ्टी और वन एफ़ जो है सी बी वन टू एफ़ उसमें थोड़ा बहुत इशू आता है लेकिन ये मॉडल्स जो है वो रीसेल आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं गाइस फाइनली इसकी प्राइस की बात करूँ तो एक लाख तेरह हज़ार रुपये जो है इसकी पाकिस्तानी प्राइस है इस वक्त लेटेस्ट और उसके साथ साथ अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं तो ऑलमोस्ट फाइव टू फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी फाइव हंड्रेड तक आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस लग जाते हैं तो ऑलमोस्ट ये आपको एक लाख अठारह हज़ार रुपये में विद रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान में आपको मिल जाती है सो गायदा आपने अगर इस बाइक को पहले यूज़ किया है, तो आपका इस बाइक के बारे में क्या कहना है अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इन मैं कोशिश करूँगा जी डी वन के साथ इसका एक फुल फ्लैज रिव्यू लेकर आऊँ ताकि आपको चॉइस करने में आसानी हो कि आपको हंड्रेड सी सी लेनी चाहिए या वन टन सी सी जी डी लेनी चाहिए सो तो कैसी लगे आपको आज की हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दौ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़